जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि जुलाई नोटिफिकेशन सीटेट से संबंधित आएगा या नहीं आएगा, आपका जुलाई में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। आप दिल थाम कर बैठो यारो, अभी तो टेलर बाकी हैं। इंतज़ार कर रहे हैं जो लोग 17वें संस्करण का सीटेट से संबंधित, वह देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम आपसे बारीकी से चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस करिए, ताकि सीटेट से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले हम आपको देखने को मिलेगा। और जब भी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होता है वो हम लेकर आते हैं, और एकदम 110% मेरा सही होता है। तो हम आपको बता दें कि आपका जुलाई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम सब चीज़ पर पहले सबसे बारीकी से चर्चा कर लेते हैं आपसे। आपका जुलाई नोटिफिकेशन सही होगा या नहीं होगा, बहुत सारे यूट्यूब पर अफवाह चल रहे हैं कि आपका जुलाई नोटिफिकेशन होगा, तो होगा या नहीं होगा हम आपसे बारीकी से चर्चा कर लेते हैं। जो लोग 16वें संस्करण का एग्ज़ाम दिए हैं तो उन लोगों के लिए भी है, और जिन लोगों ने 16वें संस्करण का एग्ज़ाम नहीं दिया, इस बार देंगे 17वें संस्करण का, उन लोगों के लिए भी यह इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जो लोग सीटेट इस बार क्रैक नहीं कर पाए हैं, जो जुलाई का इंतज़ार कर रहे हैं, यह कितना सही है या गलत है, तो हम सभी पर आपसे बारीकी से बात कर लेंगे। अब हम आपसे चर्चा कर लेते हैं कि जुलाई में जो आपका 1 दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, पिछले साल 2022 में दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, तो क्या इस बार जुलाई में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम चलिए चलते हैं आपको कि यहाँ देखिए, एक नोटिफिकेशन जो है वह जुलाई में आपका एगो एग्ज़ाम हुआ। जब आपका 1 जुलाई में एग्ज़ाम, हर बार साल में 2 बार एग्ज़ाम होता था, तो दिसंबर और जुलाई और दिसंबर, तो आपका मंत्रालय की ओर से पिछले साल कोरोना काल के वजह से आपका एक ही एग्ज़ाम दिसंबर में देखने को मिला था। कब मिला था? दिसंबर में देखने को मिला था। दिसंबर के बाद जो एग्ज़ाम, आप बारीकी से समझिए, जो एग्ज़ाम 28 दिसंबर से शुरू हुआ आपका, और वह एग्ज़ाम 7 फरवरी को समाप्त हो गई, और 7 फरवरी बाद आपका 14 फरवरी को, यानी 14 फरवरी को आपका क्या हो गया, आंसर की जारी हो गया। आपका 14 फरवरी को आंसर की जारी हुआ, आंसर की जारी होने के बाद आपका 3 मार्च को रिजल्ट देखने को मिल गया था। 3 मार्च को रिजल्ट देखने को मिल गया था, रिजल्ट देखने को मिला था, और आपका इतना जल्दी से CBSE ने सटीकता से काम लिया और बहुत जल्दी थे, यानी आपका हम 100% कह सकते हैं कि आपका जुलाई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे चैनल पर अफवाह नहीं चल रहे हैं, मंत्रालय की ओर से आपको हरी झंडी मिल गई है, आप एग्ज़ाम 100% जुलाई में आपका होगा। उससे पहले आपको नोटिफिकेशन कब मिलेगा कि आवेदन करने के लिए, और आपका आवेदन कब होगा, तो यानी आपका जो नोटिफिकेशन मिलेगा वह अप्रैल में देखने को मिलेगा, अप्रैल के इसी सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा, और एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा। आप अपना अध्ययन करते रहिए, और कैसी तैयारी चल रही है वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, और हम क्विज क्लास लेकर आप लोगों के बीच भी आएंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।